दिमाग खराब हो गया मेरा। जो मर्द घर में फारिग बैठ के रोटियां तोड़े और उसकी बीवी बाहर निकल के काम करे, उसका दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार भी बातें बनाने लगे। लोगों की बकवास सुन सुनकर तंग आ गया हूं मैं। अच्छा, तो ये सब कहने आई थी समरा यहां पर? जी कयूम सर, मुझे आपसे ये कहना था कि कल से हमारे ऑफिस में जितनी भी खवातीन वर्कर्स हैं उन सबको ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट दे दें। जी जी, ऑफिस की गाड़ी उन्हें पिक एंड ड्रॉप किया करेगी जी, और एक मेमो भी इशू कर दीजिएगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आइए मनाल। सर ये कुछ नए आइडियाज पे मैंने वर्किंग की थी, आपके पास अभी टाइम है तो देख लीजिए। श्योर। काम का लोड बढ़ गया है ना? जी कुछ कुछ। चलें ये वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो फिर आपके टाइमिंग्स का कुछ करते हैं। बाय द वे, मैंने आप समेत बाकी खवातीन के लिए कंपनी मेंटेन कार का अरेंजमेंट कर दिया, कल से ऑफिस की गाड़ी आपको पिक एंड ड्रॉप दिया करेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बड़ी फेवर देकर हमारा सबसे बड़ा मसला सॉल्व कर दिया। रियली थैंक यू सो मच। भाई वर्किंग वुमेन हमारी वर्किंग फोर्स का एक अहम हिस्सा है। मैंने फील किया है कि हमारी कई खवातीन जरूरत के तहत घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं। अगर हम उन्हें छोटी मोटी फैसिलिटी दे देंगे तो उनका भी मसला हल हो जाएगा और हमारा भी। यू आर ग्रेट। काश कि हमारे माशरे के तमाम मर्द आप जैसे सोच रहे थे। Anything else? No, sir. तुम्हारी मुमानी आ रही है कुछ देर में, उठकर चाय पानी का बंदोबस्त कर लो। क्यों? खैरियत? मुमानी क्यों आ रही है? एक रिश्ता बताया उन्होंने, लड़के की तस्वीर साथ लेकर आ रही है, देख लेना तुम भी। बता रही थी कि निहायत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है, उन्हीं के मोहल्ले में रहता है, अपनी जाती दुकान है उसकी स्टेशनरी की। उनको मना कर दें आप, मैं किसी दुकानदार से शादी नहीं करूं। क्यों मना कर दूं? लगता है हसन की मोहब्बत की पट्टी अब तक तुम्हारी आंखों से नहीं उतरी। भूल जाओ उसे, अब वो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। इस बार मैं इनकार हसन की वजह से नहीं कर रही। इसी वजह से कर रही हो, जानती हूँ, पिछले 10 सालों से यही करती चली आ रही हो। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते टुकड़ा दिए उसकी खातिर, जिसने कभी न तुम्हें दिलचस्पी ली और न तुम्हारी ख्वाहिश की। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें मजीद मनमानी नहीं करने दूंगी, समझे तुम? नहीं करनी है मुझे किसी से शादी। बिलाल आ जाओ, खाना लग गया, आकर खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों, भूख को क्या हुआ तुम्हारी? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा कब तक चलेगा सर? तुम मेरी फिक्र मत करो। क्यों ना फिक्र करूं, आखिर मेरा कसूर क्या है? कब तक यूं नाराज रहोगे मुझसे? जब तक तुम अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे। अच्छा खाना तो खा लो ना आकर, खाने से क्या नाराजगी, हम ये सब बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या दिया ना, भूख नहीं है, जाओ। बिलाल, मैंने आपका फेवरेट मटर पुलाव बनाया, आओ खा लो। मुझे भूख नहीं है। नाराज हूँ मामा से, मगर क्यों? आप हर वक्त बाबा से लड़ती रहती हैं।
उन्हें ऑफिस भी नहीं जाने देती। क्या कह रहे हो बिलाल? मैं पापा को ऑफिस नहीं जाने देती? ये सब किसने कहा है आपसे? किसी ने नहीं। आप झूठ बोलती हैं। आपको सिर्फ अपना ऑफिस अच्छा लगता है। आप मुझे टाइम नहीं देती। आपको मैं भी नहीं अच्छा लगता और बाबा भी नहीं अच्छे लगते। बिलाल, ये क्या कह रहे हो? छोड़े मुझे, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप पहले वाली मामा नहीं रही। आई डोंट लाइक यू एनी मोर। बिलाल, बिलाल के कमरे। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा कसूर क्या है? वहां बिलाल मुझसे नाराज है, यहां तुम। आखिर मैंने क्या किया है? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारा कसूर। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती मेरा कसूर क्या है। तुम लोग किस बात पे नाराज हो मुझसे? मगर देखो, आज बिलाल मुझसे अजीब अजीब तरह से बात कर रहा था। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है, प्लीज मुझसे खुलकर डिस्कस कर लो। लेकिन प्लीज बिलाल के जहन में इस किस्म की बातें मत डालो। उसे मुझसे बदसन ना करो। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो फिर कौन उसे उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रहा है? मेरे खिलाफ कौन उसके कान भर रहा है? कोई ऐसा क्यों करेगा मनाल? For God's sake, अपनी सोच बदलो, वरना मैं और बिलाल क्या हर कोई तुमसे चिढ़ने लगेगा। इस तरह के वसवसे और अंदेशे रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। आप ये शामी कबाब खाए ना, मैंने आपके लिए बनाए। आज स्कूल से छुट्टी की थी ना। तुमने बनाए तो यकीनन अच्छे ही होंगे। तुम्हें याद है तुम 10 साल की थी तो तुमने पहली बार अपने हाथ से आलू वाले कबाब बना के खिलाए थे मुझे। क्या जबरदस्त जायका था उनका, आज तक नहीं भूला। इसके नसीब अच्छे हो जाए, अपने घर की हो जाए, तो इसके अब्बा और मुझे सुकून मिल जाए। सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। अब मैं चाय गरम करके लाती हूँ। पप्पो, आप समरा के सामने इस तरह की बातें मत किया करें। तो बेटा, मैं किसके आगे जाके गिला करूं, किससे फरियाद करूं? तुम्हारे ताया और ताई ने तो बचपन से इसके दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ हसन से। तुम्हारी बेवफाई का सदमा इसने दिल पर ले लिया है। लेकिन पप्पो, मैंने तो कभी इससे इस किस्म का कोई वादा नहीं किया। मैंने तो इसे आज तक इस नजर से कभी देखा भी नहीं। इसके जज्बात एक तरफा है। मैंने तो इसे हमेशा बहन की नजर से देखा, बल्कि आज भी बहन ही समझता हूँ। बेटा, मैं तुमसे गिला नहीं कर रही। इसकी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी शादी के बाद कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, मगर ये इनकार करती रही कि अब शादी नहीं करूंगी। अब अगर ढंग के रिश्ते नहीं मिल रहे तो क्या करूं? बहुत ही इसको समझाती थी, उम्र निकल गई तो हाथ मलते रह जाएंगे, और वही हुआ। तो आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे इसका रिश्ता होगा।
मैं तो बस ये खीर देने आई थी, हसन को बहुत पसंद है ना? हाँ, मगर मैंने कहा ना उसकी पसंद अब बदल गई है। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। मनाल आप रुकिएगा जरा। जी सर। मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप कुछ चुप चुप हैं, परेशान हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। आर यू श्योर? जी सर। ओके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आमना, मैं क्या करूं? बाप बेटा दोनों ही नाराज हैं, और हसन की नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन बिलाल, बिलाल पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कोई उसका ना ब्रेन वॉश कर रहा है। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हसन बिलाल के दिमाग में ऐसी बातें नहीं डाल सकता। मेरा ख्याल है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात। अरे समरा, तुम आओ बैठो। क्या खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? हसन को आलू गोश्त बहुत पसंद है, वो बनाया। हसन को आलू गोश्त पसंद है, लेकिन पहले तो वो आलू गोश्त को हाथ भी नहीं लगाते थे, मगर अब उसकी पसंद बदल गई। उसको मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद है। तुम भी आज खाकर देखो। नहीं नहीं, मैं तो घर जाके अम्मा के साथ ही खाना खाऊंगी। मैं तो बस ये खीर देने आई थी, हसन को बहुत पसंद है ना? हाँ, मगर मैंने कहा ना उसकी पसंद अब बदल गई है। मैं खुद भी ये मीठे और कोलेस्ट्रॉल वाले खाने जरा अवॉइड करती हूँ। हम दोनों ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। आंटी, आप आ गई? हाँ बेटा, मैं अभी आपके पास आने वाली थी। मुझे होमवर्क में आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, चलो तुम बिलाल के साथ बैठो, मैं चाय लेकर आऊँ। नहीं भाभी, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, चले बिलाल। जी। ये लो, गर्मा गर्म चपाती। क्या हुआ, हाथ क्यों रोक लिया? खाने में नमक बहुत तेज है। नमक तेज है? मैंने तो बहुत मुनासिब नमक डाला था। कुछ और बना दो तुम्हारे लिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं दही के साथ खा लेता। दही फ्रिज में मिलाती हूँ। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बिलाल, आप तो ठीक तरह से खाओ ना, मैं देख रही हूँ आजकल खाने पीने के मामले में आप बहुत चोर हो जा रहे हो। मामा, खा तो रहा हूँ। मुनाल, ये खीर कहाँ से है? समरा लाई। और तुमने मुझे बताया भी नहीं खीर पड़ी। तुम जानती हो मुझे कितनी पसंद है खीर। ये तो बहुत टेस्टी होती है मामा, पहले आप भी बनाया करती थी ना। बेटा, आप ये खीर खाओगे ना तो मामा के हाथ की खीर भूल जाओगे। ये लो। टेस्टी है। समरा आंटी कितने अच्छे कुक है, इतनी मजे मजे की चीजें बनाती है। आप यहाँ बैठी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर तुमने इतनी देर कर दी। क्या करूँ आप बताएं?
जब इतना बड़ा सेटअप संभाल रहा हूँ तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। पता है बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारियों का भी पता है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी निकाला करो। बस सारा दिन काम काम काम, ना अपनी सेहत की परवाह है, ना बूढ़ी माँ का ख्याल है। माँ प्लीज, इस तरह मुझसे खफा ना हुआ करो। अपने लिए मैं टाइम निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आपके लिए जरूर निकालता हूँ, प्रॉमिस निकालता हूँ। बेटा कुछ अपने बारे में भी सोचो, खैर से 42 साल के हो रहे हो, इस उम्र में तो लोगों के तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं। माँ बात घुमा फिरा कर वहीं ले आती हैं। तो क्या करूं, माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तुमको तो अपना एहसास है नहीं, कम से कम मेरी तन्हाई का ख्याल करो। सारा दिन घर में तन्हाई में दीवारों से बातें करती रहती हूँ। बहू को घर में ले आओ तो मेरा दिल भी बहला रहेगा और तुम्हारी जिंदगी भी सेटल हो जाएगी। माँ आप जानती हैं कि मैं शादी कर चुका हूँ और उसका नतीजा भी भुगत चुका हूँ, अब दोबारा रिस्क लेने का हौसला नहीं है मुझे। बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक ना खुशगवार तजर्बे को जिंदगी का रोग बनाकर जिंदगी को तन्हा तो नहीं गुजारा जा सकता। अभी तो तुमको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ वक्त गुजरने दो तो तुमको एहसास होगा कि तन्हाई जिंदगी में सिवाय तकलीफों के और कुछ नहीं देती। इस उम्र में शादी करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? क्या हुआ है तुम्हारी उम्र को? इस उम्र में तो लोग पहली शादी करते हैं और तुम दूसरी शादी करते हुए इतना सोच रहे हो। बस अब बहुत हो गई, अब तुम्हारी मैं एक नहीं सुनूंगी। तुम मेरी एक ही तो औलाद हो, अपनी जिंदगी में अगर तुम्हारा घर बसते नहीं देखा तो मैं सुकून से कैसे मरूंगी। अच्छा चले कोई और बात करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं और आप लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, वापसी पर डिनर करेंगे, माँ बेटा डेट लगाते हैं। मैं बस अभी आया। मौजू बदलना तो कोई इससे सीखे। लाओ मैं कर देती हूँ इस तरह। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। हसन पहले भी तो मैं ही तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती थी, तो फिर अब क्या है? पहले की बात और थी, अब तुम जॉब करने लगी, अपने काम मुझे खुद ही करने लेने चाहिए। इस्त्री करने में कितना टाइम लगता है, छोड़ो मैं कर। ठीक है हो गया, मैं अपने काम में खुद कर सकता। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना हुआ करो, मियां बीवी में इस तरह की नाराजगियां होती रहती हैं। मुझे और शर्जील को ही देख लो, तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच तल्खियां नहीं होती? हमारे दरमियान बहुत फासले पैदा हो गए। हसन तो क्या, बिलाल भी मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। बहुत कोशिश करती हूँ कि दोनों को वक्त दे सकूं, दोनों का ख्याल रख सकूं, कि उसके बावजूद दोनों ही नाराज हैं। चलो एक काम करते हैं, इस वीकेंड हम एक साथ पिकनिक प्लान करते हैं। मैं अहद और शर्जील को भी साथ में ले लूंगी, इतने दिन हो गए हम लोग भी आउटिंग पे नहीं गए, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और तुम्हारे और हसन के बीच जो गलत फहमियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। हसन से पूछ कर बताती हूँ। वैसे है कहाँ वो, नजर ही नहीं आ रहे। किसी काम से बाहर गए। वो क्यों बाहर गए? बाहर के सारे काम तो आप देखती है ना। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो।
क्या कहा फिर लड़के वालों ने? अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर मुझे यकीन है इस दफा इनकार नहीं होगा। बड़े खुश खुश गए लड़के वाले। खुशफहमी है आपकी, चाय के साथ लवाजमा ठोसने के बाद सभी वहीं खुशी खुशी जाते हैं और उसके बाद गायब। बस हर वक्त बदफाल मुंह से निकालती रहो। मुनासिब वक्त में अगर हर रिश्ते में कीड़े न निकालती ना तुम, आज अपने घर की हो चुकी होती। क्यों मान जाती मैं? ऐसे कौन से आला खानदान से रिश्ते आए हैं मेरे लिए जो पट से हाँ कह देती मैं? तो हसन में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए जो उसका रोग अभी तक दिल से लगाए बैठी? अम्मा नहीं करनी मैंने किसी मोटे मैकेनिक या दुकानदार के साथ शादी। आपको पता है मेरी स्कूल की एक टीचर है, 35 साल की उम्र में उसकी बहुत अच्छे घर में शादी हुई है, तो फिर मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैं तो अभी वैसे भी सिर्फ 29 साल की। उसकी तो किसी तलाक या अफ्ता से शादी हुई है ना? हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कर लूंगी किसी तलाक या अफ्ता से शादी। हसन अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हें अपनाएगा, ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल। मैंने हसन की बात कब की है अम्मा? सब समझती हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी रग रग से वाकिफ। ये जो हर वक्त बहाने बहाने से तुम हसन के घर के चक्कर लगाती रहती हो ना, इसके पीछे कोई वजह होगी। कोई वजह होगी नहीं, बल्कि यही वजह है अम्मा। नहीं करनी मुझे किसी ऐरे गैरे से शादी। मेरी शादी अगर होगी तो सिर्फ हसन से और किसी से नहीं। पागल हो गई हो, सठिया गई हो। अपनी बीवी से उसने मोहब्बत की शादी की है, उस पर जान छिड़कता है, वो उसको छोड़कर तुमसे शादी क्यों करेगा? करेगा अम्मा, क्यों नहीं करेगा? वो दोनों आपस में खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ उखड़े उखड़े रहते हैं। बहुत बार नोट किया मैंने ये बात, और वैसे भी इतने सालों के बाद जो अचानक हम दोनों का आमना सामना हो जाऊं, ये कोई आम बात नहीं है अम्मा। इसमें भी जरूर अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी। होमवर्क हो रहा है बिलाल जी? मुझे मैथ का सम करा दें। आंटी से क्यों कह रहे हो बिलाल? होमवर्क हमेशा मैं आपको करवाती हूँ ना। लेकिन आंटी ने कहा है वो रोज आके मुझे होमवर्क करवाएंगे। आंटी रोज रोज नहीं आ सकती। नहीं नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने बिलाल को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको रोज होमवर्क करा दिया करूंगी, लेकिन अगर आपको कोई एतराज है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए इस तरह रोज रोज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं नहीं भाभी सब मैनेज हो जाएगा। बिलाल बेटा डायरी कहाँ है? डायरी दिखाओ। वो तो कमरे में है, मैं लेके आता हूँ। हसन का फोन आया था, मेरी बनाई हुई खीर की बहुत तारीफ कर रहे थे वो। आप तो कह रही थी कि उन्हें इस तरह की कोई चीज पसंद ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाते वो किसी ऐसी चीज को। हाँ शायद उसकी पसंद बदल गई है। नहीं उनकी पसंद नहीं बदली, वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे। लेकिन कितनी हैरत की बात है ना, आपसे ज्यादा मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता है। वैसे हैं कहाँ वो? नजर ही नहीं आ रहे। किसी काम से बाहर गए। वो क्यों बाहर गए? बाहर के सारे काम तो आप देखती है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ भी तो नहीं भाभी, मैं बहुत टाइम से नोट कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ खफा खफा सी रहती हैं। अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो आप मुझे बता दें, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। नहीं ऐसी कोई बात, ये तुम्हारे भाई का घर है, जब दिल चाहे आ जाया करो, कजन्स भी तो भाइयों जैसे होते हैं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। Thank you.
हेलो, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, नंबर ही नहीं मिल रहा तुम्हारा। अच्छा सुनो, वो एक काम था मुझे तुमसे। वो जब तुम मेरे घर आई थी, तुम किसी आमिल बाबा के बारे में बता रही थी ना? हाँ हाँ वही। अब मुझे उनका पता बता दोगी? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। वो असल में अम्मा मेरी शादी को लेकर बहुत टेंशन लेती है ना आजकल, बस इसी सिलसिले में उनके पास जाना चाह रही थी। हाँ हाँ नहीं, तुम्हें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, तुम बस पता बता दो। हाँ नहीं, अम्मा को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। बाबा, क्या आज आप यहीं सोएंगे? हाँ। बटवाए, ये तो मेरा रूम है ना, आपका रूम तो वहाँ है। आप मामा से सॉरी कह के दोस्ती करके आप अपने रूम में सोया करें। बिलाल बेटा, मैं आपसे यहीं सोऊंगा आपके साथ। क्या आप मामा से कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे, ऐसे ही रहेंगे? बिलाल, I'm sorry बाबा, but इस बार तो मैं आपकी और मामा की दोस्ती करा के ही छोड़ूंगा। आप उनसे प्लीज सॉरी कह दें। आपने ही तो कहा था कि सॉरी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। सॉरी मुझे नहीं, उन्हें कहना चाहिए। मैंने उनको भी समझाया था, वो भी यही कह रही थी कि सॉरी मुझे नहीं, बाबा को कहना चाहिए। ये कहा उन्होंने? अब तो मैं बिल्कुल सॉरी नहीं कहूंगा। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम टीचर हो, बच्चों की साइके से ज्यादा वाकिफ हो। तुम मनाल से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात समझो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ सकती। क्यों, तुम कोई गैर थोड़ी अपनी हो तुम? अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। लंच ब्रेक हो गई है, अब उठ जाओ। बस 5 मिनट दे दो, मुझे ये कंप्लीट करने दो प्लीज। बस कर दो, और कितना काम करोगी? मैकाल साहब भी ना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आफाक साहब के जाने के बाद सारा काम तुम्हें सौंप दिया, और तुम भी चुपचाप डबल ड्यूटीज कर रही हो। इस ओवर एफिशिएंसी में ना कहीं अपनी सेहत ना तबाह कर लेना। अच्छा है ना, यही तो मौका है बॉस को इम्प्रेस करने का। वैसे भी मेरा प्रोबेशन पीरियड कम्प्लीट होने वाला है, शायद इंक्रीमेंट ही लग जाए। शायद नहीं, यकीनन लगेगा। क्या बात है, यहाँ तुम बॉस को इम्प्रेस करने में लगी हुई हो, और वहाँ बॉस तुम्हारे हर मशवरे पर आंख बंद करके अमल कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो मजाक कर रही थी। ये उल्टे सीधे मजाक ना सिर्फ तुम ही कर सकती हो, आइंदा मजाक में भी ऐसी बात मत करना, वरना यहाँ के लोग तुम्हारे मजाक पर यकीन कर बैठेंगे। मिकाल साहब बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान है। वो तो है, अगर वो अच्छे और शरीफ नहीं होते तो तुम उनसे इंस्पायर कैसे होती भला? तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी। चलो छोड़ो ये काम, और उठो मेरे साथ, आज हम बाहर जाके लंच करेंगे। अच्छा बाबा, मनाल सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया था। तुमने अपने आप को घनचक्कर बना के रखा हुआ है, तुम अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। उठो चलो, उठो, यहाँ करीब में डॉक्टर, उसके पास चलो। उठ तो, हो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है?
आराम से। आपसे मैंने कहा तो था कि बिलाल को मैं छोड़ दिया करूंगी, इलाके से गुजरते आप ना आया करें उसको लेने। आजकल फारिग हूँ, यही एक काम है करने को मेरे पास। खैर, बिलाल के टीचर्स उसकी बहुत कंप्लेन कर रही थी, कह रही थी कि चुप चुप सा रहता है क्लास में, किसी से बात ही नहीं करता। अच्छा, मैं मनाल से कहता हूँ आकर बात करें उसकी टीचर से। वो घर शाम में आती है, वो यहाँ कैसे आएंगी? मैं बच्चे के लिए एक दिन वक्त निकाल सकती हूँ। खैर हसन, मुझे तो बस एक बात पता कि बिलाल अभी बहुत छोटा है, ये जो नेग्लिजेंस है ना, ये उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर कर सकता है। मैं तो खुद मनाल से यही कहता हूँ कि बिलाल को उसके वक्त की जरूरत है। तुम्हें काम क्यों नहीं करता? तुम टीचर हो, बच्चों की साइकी से ज्यादा वाकिफ। तुम मनाल से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात समझे। नहीं नहीं, मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ सकती। क्यों, तुम कोई गैर थोड़ी अपनी हो? तुम तो आप समझते, ऐसा आप सोचते, मगर वो नहीं सोचती ऐसे। उनको तो वैसे मेरा आपके घर आना जाना ही नहीं पसंद। देखो, ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वहम है। पहले मैं भी यही समझती थी कि उनके सर्द रवैये की वजह मेरा वहम है, मगर ऐसा नहीं है। कल जब मैं बिलाल को पढ़ाने आई तो कल क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, आप घर पर नहीं थे शायद। उन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा। क्या कहा उसने? उन्होंने वो कुछ कहा जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बिलाल की यार्ड में चोरी चोरी आपसे मिलने आती। क्या इतनी बुरी बुरी बातें की उन्होंने मुझसे? मैं मानती हूँ मैंने आपको चाहा था, मगर मैंने आपकी कभी तलब नहीं की। मैंने आपके और उनके रिश्ते को बहुत अच्छे से कबूल किया था, बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। कल तो उन्होंने मुझे इतनी बुरी बुरी बातें की आपके और मेरे बारे में कि मैं मुझे तो आपका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर साहबा, सब कुछ ठीक है ना? घबराने की तो कोई बात नहीं है। नहीं, शदीद कमजोरी के बायस इनका ब्लड प्रेशर लो गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, अक्सर ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। हालत कैसी हालत? शी इज प्रेग्नेंट। मैं कुछ मेडिसिंस लेकर दे रही हूँ, ये वक्त पर लीजिएगा और इन्हें मुकम्मल आराम कराइएगा। बेआरामी की सूरत में उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ सकती है। मनाल, ये क्या किया तुमने? तुम जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से मुझे इस हिमाकत की तवक्का नहीं थी। मुझे क्या पता था यार, मैंने तो इस बारे में ना सोचा था और ना ही प्लानिंग की। तुम्हें तो अपने घर के हालात पता है ना? ऐसे में एक और बच्चा, पहले ही तुम अपने बच्चे के अखराजात मैनेज नहीं कर पा रही हो, और एक नया, अभी अभी तुम्हारी जॉब लगी है, और ऐसी हालत में रोजाना छुट्टियां करोगी तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ये सब अल्लाह के काम है, आने वाला अपना नसीब साथ लेकर आता है। ये वक्त जज्बात से नहीं, होश से काम लेने का है। तुम उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगी। मेरी माने तो तुम उसे जान छुड़ाओ। क्या पागल हो गई हो क्या? जानती हो क्या कह रही हो? हाँ, मनाल मैं तुम्हारी दोस्त, इसलिए तुम्हें ये मशवरा दे रही। तुम दोस्त होकर मुझे मेरे बच्चे का कत्ल करने का कह रही हो? अब नो, कम ऑन यार, रिलैक्स। मैं तो सिर्फ तुम्हें मशवरा दे रही, आगे तुम जो करो तुम्हारी मर्जी। शमसा के यहाँ जाने के लिए
नई कमीज इस्त्री करने की क्या जरूरत है? यकीनन हसन के यहाँ जा रही होगी। हाँ जा रही हूँ और जाऊंगी। अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। तुम्हें तो अपने घर के हालात पता है ना, ऐसे में एक और बच्चे, पहले ही तुम अपने बच्चे के अखराजात मैनेज नहीं कर पा रही हो, और एक नया अभी अभी तुम्हारी जॉब लगी है, और ऐसी हालत में रोजाना छुट्टियां करोगी तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मानो तो तुम उसे जान छुड़ा। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी यार। किसी ने सर हमारे कमर्शियल का साउंडट्रैक रेडी है, इस सीडी में है, और टूथपेस्ट कमर्शियल के कुछ फ्रेश आइडियाज मैंने इस फाइल में नोट कर दिए। आप फ्री होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा। मुझे करने को और भी बहुत से काम, आपको जो अच्छा लगे तैयार करवा। सर मगर आपकी अप्रूवल के बगैर। मनाल अब आप उस स्टेज पर पहुंच गई हैं कि मैं आंखें बंद करके आप पर एतमाद कर सकता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आइडिया भी आपकी पसंद का हो ताकि आप ओन कर सकें। अच्छा गया तो क्रेडिट आपको, और अगर बुरा गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। सर थैंक यू वेरी मच, आपको मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है। मैं कोशिश करूंगी कि बेस्ट आइडिया ही चूज करूं। दैट्स ग्रेट। बाय द वे आपकी तबीयत कैसी है? जी आई एम परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, वो कल तो आपकी तबीयत खराब हो गई। जी वो एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग। रियली कांग्रेचुलेशन। तो ऐसी कंडीशन में तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, अगर चाहें तो आप कुछ दिन के लिए रेस्ट कर लें। सर जब जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगी, फिलहाल आई कैन मैनेज। As you wish. अभी तो स्कूल से आई, अब फिर कहाँ जाने की तैयारी? वो बराबर वाली शमसा है ना, उनके घर जा रही हूँ। शमसा के यहाँ जाने के लिए नई कमीज इस्त्री करने की क्या जरूरत है? यकीनन हसन के यहाँ जा रही होगी तुम। हाँ जा रही हूँ और जाऊंगी, जो रोक सकता है ना रोक ले मुझे। बड़ी जबान चलने लगी तुम्हारी, घर का हाल देखो सारा उल्टा पड़ा है, अलमारी देखो अपनी, बुरा हाल है उसका, मगर तुम्हें चाकरियां करने से फुर्सत नहीं। चाकरियां नहीं है ये, नहीं अच्छा लगता मुझे कि कोई मर्द यूं घर के काम करे, और करती क्या हूं मैं, थोड़ा सा हाथ ही तो बटाती हूं उनका। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, बूढ़ा कर लोगी अपने आप को, वक्त जाया कर रही हो गया आपका, अब मैं जाऊं। हाँ हाँ जाओ, जाकर नौकरानी बनो उसकी बेवकूफ कहीं की। ना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी हमें, आप आ गई थी वही काफी था। अरे क्यों जरूरत नहीं है, शक्ल देखी तुमने, मैं कितनी पीली और कमजोर पड़ गई हूँ। ये सारे फल और दूध और जूसेस वगैरह लाई हूँ, और सुनो दूध रोज पीना है और एक दिन भी नागा नहीं करना तुमने। अच्छा मैं पी लूंगी। क्या बात है बेटा, तुम बुझी बुझी और उदास से लग रही हो। मैं जानती हूँ बेटा
तुम्हारी परेशानी की वजह मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये खुशखबरी भी तो इन मनहूस हालात में आई। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इस महंगाई के दौर में दो दो बच्चों की जिम्मेदारी किस तरह से संभालोगी तुम। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन झूठ बोल रही हो तुम। तुमने बात मुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम ये बच्चा चाहती नहीं हो। मनाल, संभालो खुद को। कैसे संभालो खुद को? आज उस लड़की की वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। अगर हो सके तो।